अभी हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे मटन पालक, गोश्त पालक आज हम बनाएंगे। इसके लिए हमने ये आधा किलो गोश्त लिया है, ये हमने मीडियम 3 घंटी प्याज की थी, ये हमने इनको काट लिया है। इधर हमने पालक को धो के साफ करके और हम इसको बॉईल कर, इधर हमने ये पालक लिए, इसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया और इसको हमने उबलने रख दिया है। अब इसको हम, ये उबल गई, इसे थोड़ा गला लिया। अब इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी में डाल के छान के फिर उसके बाद हम इसको मिक्सर में चला के तब गोश्त में डालेंगे। अभी गोश्त बनाएंगे। अभी ये पालक जो है इसमें, ये छन्ने में उबल गई है अच्छे से। अब इसको हम इसमें छान देंगे ऐसे। अरे पूरी पालक हम इसमें ऐसे निकाले, बिना काटे भी उबाल सकते हैं। हमने इसको काट लिया था पहले बड़े बड़े टुकड़ों में, फिर हम इसको उबाल लिया। अब इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ऐसे, हम पूरी निकाल के अभी पानी डालेंगे इसमें। हम पानी डालेंगे ठंडा, ठंडा पानी डाल दिए। अब ये ऐसी रहेगी, ये ग्रीन रहेगी। अब ठंडे पानी डाल दिया हमने, अब ये इसका सारा वो निकल गया। अब इसको हम ठंडा करके बाद में जब बनाएंगे तब हम इसे मिक्सर जार में चलाएंगे। अब ये पालक जो है ठंडी हो गई, अब इसको हम पीसेंगे थोड़ा सा, इसको मिक्सर जार में डाल कर चलाएंगे। अब ये पिस गई, अब इसको हम जब गोश्त में डालेंगे अभी भून के तब दिखाएंगे। अभी हमने कुकर में तेल डाल दिया, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तेल हमने ये वाला 1.5 चम्मच तेल डाला, और हमने रिफाइंड डाल दिया इसमें, पहले रिफाइंड था तो रिफाइंड डाल दिया। ये हमने मसाले निकाले हैं, ये 1 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच मिर्च, 2 चम्मच धनिया। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। ये 1.5 चम्मच 2 चम्मच है अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी तड़के हम डालेंगे 2-3 लौंग है 3, और ये दालचीनी टुकड़ा, थोड़ी सी जीरा है, इसे हम डाल देते हैं। अब इसमें हम पहले ही ये हल्दी डालेंगे, पहले गोश्त बनाते हैं, उसके बाद हम गोश्त बन जाएगा भून के, उसके बाद में हम ये पालक डालेंगे। अब ये हल्दी डाल दी, अदरक लहसुन। अब इसको पहले थोड़ा भूनेंगे, ये थोड़ा सा पानी डाल, अब ये हम ये हल्दी और ये जो भून गई अदरक लहसुन की पेस्ट, अब फटी फटी हो गई समझ लो, भून गई। अब इसमें हम अपना ये गोश्त डालते हैं, इसको डाल के थोड़ा भूनेंगे। इसमें अब हम ये प्याज भी डाल देंगे, ये 1 टमाटर हमने काटा है छोटा छोटा, ये भी डाल देते हैं। इसे हम पहले भूनेंगे,
जो मसाला देखा है ये डाल, अब इसमें नमक डालेंगे। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, हमें एक चम्मच डालना, छोटा चम्मच है। अब इसे भूनेंगे थोड़ा, फिर हम इसमें सीटी लगाएंगे। पहले हम इसे गोश्त को गलाएंगे। अब ये गोश्त जो है हम इसे हम भूनेंगे। अब ये गोश्त जो है हमारा ये भुनना है। अब इसे भूनने के बाद सब डालेंगे। अब ये गोश्त जो है हमारा भुन गया, अपने 3-4 मिनट तक खूब भुना है। अब इसका सारा तेल जो है अलग हो गया, अब देख सकते हैं खूब अच्छा भुन गया। अब इसमें हम ये अपनी पालक डालेंगे। इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के और इसको जार को धो के इसी में डाल देंगे। पहले हम इसे मिक्स कर देंगे। अब ये हमने पालक डाल दी और ये जो हमने मिर्च और अदरक ये दरदरा किया था ये भी हम इसी में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हम भूल गए थे, इसमें हमने पालक में थोड़ा सा सोया भी डाला था। सोया होता है ना बारीक बारीक पत्तियों का, उससे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। अब इसको हम मीडियम गैस पर ऐसे पकने देंगे ताकि ये सारा टेस्ट इसमें आ जाए अच्छा, और ये सारा तेल अलग हो जाएगा। अब इसको हम ढक देते हैं और मीडियम गैस कर देते हैं। अब इसको 4-5 मिनट तक ऐसे रखा रहने देंगे, उसके बाद देख। अब इसमें हम ये हो गया, अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सारा जल गया। अब इसमें थोड़ा सा इसे पतला करेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के गर्म पानी डालना, इससे क्या है टेस्ट ऐसे रहता है थोड़ा सा। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी हमारी तरह बनाएं, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशबू आ रही है इसमें। अभी ये पालक गोश्त हमारा बन गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। बस ऐसे ही रखना है, इतना बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना है। अब इसे गैस को बंद करते हैं और इसमें ये थोड़ी सी ये कसूरी मेथी डालेंगे। इसे हम तवे पर गरम करके हाथ से इसको क्रश कर लिए, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है इसमें। थोड़ा सा ये हरा धनिया भी डालेंगे। बन गया, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चुटकी खुशबू के लिए बस। अभी ये हमारा पालक गोश्त जो है बनके तैयार हो गया। अभी हम दिखाते हैं निकाल के, इसमें निकालेंगे। अभी हमारा पालक गोश्त बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है। आप भी हमारी तरह बनाएं, हमारी रेसिपी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।